फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में विगत दिन पूर्व शैलेन नामक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में शंखवार समाज के लोगों ने गांधी पार्क मैदान में दिया धरना। न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। मृतक के पिता उदय सिंह शंखवार का कहना है कि पहले दोषियों को जेल भेजें या वहां से हटाएं, तभी निष्पक्ष जांच हो सकेगी। जब तक दोषी रहेंगे तब तक बच्चे खुलकर नहीं बोल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद। क्या धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला। क्या मांग कर रहे हैं धरने पर बैठकर आप? न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय चाहिए। अभी किस तक चीज़ की मांगे हैं और क्या है? मांग इस चीज़ की है कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है उसमें अभी तक हमें सही तरीके से यही पता नहीं चला कि मेरे बेटे ने हत्या की है, मेरे बेटे की हत्या की गई है, उसने आत्महत्या की है। सही तरीके से अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है अभी तक, और ना ही अभी तक हमें कोई कमरा दिखाया गया, ना ही वो जगह दिखाई गई और ना कुछ दिखाया गया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो जाँच हो। जो लोग दोषी हैं उनको पहले तो वहाँ से हटाया जाए, उनको हटाने के बाद जाँच हो, क्योंकि जब तक वो लोग हटेंगे नहीं तो बच्चे बयान नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि सही न्याय मुझे मिल पाएगा। दोषियों को पहले सजा हो या फिर वहाँ से हटाए जाए जैसे भी है, उसके बाद ही जांच हो, तभी सही जांच हो पाएगी। मेरी इच्छा यही है। कब तक बैठेंगे? अभी तो सांकेतिक धरना है, अगर अब देखते हैं, अगर सही जांच होती है, सही तरीके से लोगों को हटाया तो उन लोगों को खराब कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर देखते हैं आगे।